गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गया भाई, अभी दोपहर हो रही है। ये देखो दोपहर हो रही है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। वीडियो मैंने अपलोड पे लगा दी है, बाकी रात को मैंने एडिट कर दी थी। यार आपका सीन ऐसा है, बाकी सारे तो बाहर चले गए हैं, मैं बाकी अभी रेडी होके अभी 2:30 बजने लगे हैं। बाकी मैं रेडी होके अभी मैं भी बाहर जाऊंगा, क्योंकि यार मतलब रात को एडिट करके 1:30-2 बज गए थे मुझे, और मैं सुबह 11:30-12 बजे उठा था। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग की सेटिंग की, सारी अपलोड किया, उसका जो भी टाइटल वगैरह सब सेट किया। अब मैं नहा के रेडी होके बाहर जाऊँगा, फिर आपको मैं बाहर जाके मिलता हूँ। भाई रेडी हो चुका हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ खाना खाने। तो लो जी, यहाँ पे हमारा परांठा आ चुका, बाकी परांठा खा के बात करते हैं। भाई वहाँ से खाना खा के मैं निकल चुका हूँ। आलू का परांठा था यार, बड़ा टेस्टी था। वो आंटी जहाँ पे मैं खा रहा बेसिकली वो लुधियाना से ही है, पंजाब से। तो आपको तो पता ही है पंजाबियों का खाना अच्छा ही होता है, पंजाबियों का परांठा। बाकी चाय पी रहा हूँ, अभी जाएँगे बांके बैरी मंदिर दर्शन करने जाएँगे सबसे पहले। बाकी आपको दर्शन करवाता हूँ अंदर जाके। अभी मंदिर का गेट बंद है, अभी थोड़ी 4 बजे खुलेगा मंदिर का गेट, इसलिए बाहर ज़्यादा रश है, लेकिन इतना रश नहीं है आज। तो यहाँ से हमने अभी फूल ले लिए अंदर चढ़ाने के लिए बांके बैरी जी को। तो यार उधर से रश ही पड़ा था, फिर मैं इधर से आ गया, मतलब इधर से ऊपर आ गया मैं यहाँ से, उधर तो रश ही पड़ा। वो देखो यार, किसी की चप्पल लेके ऊपर गया हुआ बंदा। यह यहाँ पे यही है सिस्टम सारा, मतलब फोन ऐनक वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ते। ये बंदा अपने सामान का खुद ध्यान रखे यहाँ पे, वही सही है। वो देखो भाई चप्पल कैसे खा रहा है, वो सब छीनेगा। वॉइस मंदिर खुल चुका है अभी। भाई रश चेक करो, कितना रश है यार यहाँ पे, मतलब एकदम खड़े होने की भी जगह नहीं है यार, एक धक्के मारने शुरू हो जाते हैं लोग यहाँ पे। तो यार फ़ोन हाथ में पकड़ने को भी डर लगता है, बंदर खींच के ले जाते हैं फ़ोन। बाकी अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए। ये देखो ये फ़ोन भी खींच के लेके चले जाते हैं भाई हम राधा वल्लभ जी। ये देखो गाइस, ये होली शुरू हो गई है ना अब मतलब होली कितनी देर से शुरू हो गई हुई है। अभी हम अंदर जाएंगे राधा वल्लभ जी दर्शन करने। यार ये लोग आगे आई जा रहे हैं, कितने कितने अच्छे लोग। यहाँ पे शादी हो रही है गाइस किसी की। हम पहले जा रहे हैं निधिवन, उसके बाद जाएंगे कुपेश्वर मंदिर। कुपेश्वर मंदिर इसलिए आज क्योंकि मंडे है ना, तो भोले बाबा जी के दर्शन करके आएंगे फिर उसके। यार आपको यहाँ पे गाइड करने वाले मिलेंगे वृंदावन में, गाइड वाइड के चक्कर में मत पड़ना भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सारा अंदर समझा देते हैं मंदिर में, कैसे ये कहाँ कैसे बना, ये क्यों बना, बाकी सारा अंदर आपको समझा देंगे वो। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूँगा आपको कि गाइड के चक्कर में मत पड़ना, कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, आपने गाइड करना है ठीक है, नहीं करना फिर भी आपकी मर्जी। मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। ये हम पहुंच गए निधिवन जी, अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये देखो जो छोटे छोटे पेड़ है ना, ये देखो छोटे छोटे पेड़ है जो यहाँ पे, माना जाता है कि रात को ये सारी गोपियाँ हैं, ये जो छोटे छोटे पेड़ है ये सारी गोपियाँ हैं, और रात को यहाँ पे कान्हा जी और राधा रानी जी रास रचाते हैं। तो जो बंदा कहते हैं ये रास देख लेता रात को, उसको मतलब वो पागल हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है। लेकिन
हाँ एक बात बोली गई है, यहाँ पे रोज रात को बांसुरी की आवाज़ आती है, बांके प्यारी जी रोज रात को बांसुरी बजाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत लोगों ने सुना है, जो आसपास रहते हैं वो यही चीज़ कहते हैं। ये पेड़ चेक करो, ये वाला, ये ऐसे पेड़ बहुत है यहाँ पे जो छोटे छोटे ही रहते हैं, मतलब इतने इतने ही रहते हैं टेढ़े मेढ़े से। ये जगह है गाइस जहाँ पे रास होता रात को, यहाँ पे गोपियाँ और कान्हा जी सारे रास करते हैं यहाँ पे। जो भी यहाँ पे आता है कहते हैं एक बार उसको रास करके जाना चाहिए जरूर, चाहे थोड़ा सा डांस करे लेकिन यहाँ पे करना चाहिए, अच्छा होता है। अरे यहाँ पे रास, ये देखो डांस कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ से सही दिख रहे पेड़, ये छोटे छोटे पेड़ यहाँ से सही दिख रहे हैं, ये देखो। अगर खुद से तो ये पता होना चाहिए कि उसकी औकात दरवाजे की है, उसकी औकात दरवाजे की है, कुत्ते को हमेशा पता होना चाहिए। तो जिस जिसने ये कट्टा बांधा है ना, तो कह देना प्यारे। तो अब हम आए थे यार राधा रमन जी दर्शन करने आए थे, ये राधा रमन जी के दर्शन करो। हम अब राधा रमन जी के दर्शन करके निकल चुके हैं, गोपेश्वर बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आज आज सोमवार भी है, वैसे भी दर्शन करने थे हमने गोपेश्वर, वहाँ पे शिव जी भगवान जी का स्वरूप विराजमान है। तो यार यहाँ का इतिहास ये है, यहाँ पे गोपियों का रूप धारण किया था भोले बाबा जी ने कान्हा जी और राधा रानी जी के साथ रास करने के लिए। तो जी हम अब आ गए हैं इस्कॉन टेंपल, अभी अंदर जाते हैं। इस टाइम बहुत रौनक होती है यहाँ पे, शाम के टाइम यहाँ पे रौनक होती है इस्कॉन टेंपल में। दर्शन कर लो गाइस इस्कॉन टेंपल के, तो जी मैंने इस्कॉन टेंपल के अंदर से ये बर्गर ले लिया यार, चॉकलेट माउस मफिन। मैंने उनको बोला था कि चॉकलेट माउस मफिन दे दो, वो मतलब पहले मैं उधर बिल देने गया उधर मैं, तो एकदम ख़त्म ही हो गई, बाकी अब बर्गर खाते हैं। तो जी ये नैपकिन चेक करो, ये नैपकिन अलग ही है एक, ये देखो यार इसको पानी में डालो अपने आप ही घुल जाएगा, ये देखो अपने आप ही घुल गया। तो उधर से यार बर्गर खा लिया था, वो माउस मफिन ख़त्म हो गई है, बाकी अभी रसगुल्ला लिया यहाँ से। ये भाई हेलो कर रहे हैं, भाई कहते हैं ये खाओगे नहीं, मैंने कहा फेंकना है। इस मेरे साथ एक बीटी हो चुकी यार, इस्कॉन टेंपल के बाहर आया मैं, जब मेरी चप्पल ही नहीं मिल रही, पता नहीं कौन पहन के चल गया यार चप्पल। यार ऐसे मत किया करो भाई, किसी की चप्पल मत पहन के जाया करो यार, इसीलिए मैं शूज़ नहीं डाल के आता बाहर मंदिर में। मुझे पता है ना, पिछली बार बरसाने से चप्पल गुम हो गई थी, इस बार इस्कॉन टेंपल के बाहर से चप्पल गुम हो गई है। चलो कोई बात नहीं यार, शायद किसी ने गलती से ना पहन ली हो चप्पल, चलो कोई बात नहीं, नहीं ले लेते हैं यार, उसमें क्या चप्पल में क्या है।
तो अभी ले ली यार यहाँ से चप्पल मैंने नहीं, अभी मैंने सिंपल। तो मैं अभी गाड़ी को देखने आया था, पार्किंग में लगी हुई थी गाड़ी, तो मैं देखने आया था कि मतलब सही है, सेफ है यहाँ पे, वह सही से लगी हुई है गाड़ी, ओके है। तो आज का व्लॉग यार एंड करते हैं यहीं पे, थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बाकी सुबह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय।